हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भंडार। 26 जनवरी के मौके पर हम भारतीय के साथ साथ करीब 10 से 12 मीरा भाईंदर शहर की सामाजिक संगठनाएं हैं जिन्होंने आज एक रैली का इंतजाम किया है। और इस रैली में एक खूबसूरत सी बात सामने दिखाई दे रही है कि चार ये बच्चे हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह का इन्होंने गणवेश बना के रखा है। हम उनसे बात करते हैं कि आज के हालात जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर इन बच्चों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। बेटा ये बताइए कि आप यहाँ पर ईसाई का रोल प्ले कर रहे हैं, तो अभी जो हालात है हमारे मुल्क के वो आप कैसा देखते हैं? हम सभी हिंदू मुस्लिम को एक होकर रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है बच्चे ने कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ में ही रहना चाहिए, आपस में ना इत्तेफाक या झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप तो सरदार का रोल प्ले कर रहे हैं। सबका सर ऐसी रहता ये है, हिंदू है तो इसको मत ले, क्रिश्चियन है इसको मत ले, तो सब मिलके रहना चाहिए। जो जिस तरह से नफरत का एक माहौल हमें दिखाई देता है हिंदू और मुस्लिम में, हमेशा जो एक नफरत पैदा की जाती है, कुछ राजनेता लोग है वो इसे हमेशा ऐसे ही कायम रखना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक आपस में ना बना रहे, बराबर। यस, आप क्या कहेंगे, आप तो मुस्लिम पेशे से अपने पहरावे से लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इस बार आज के जमाने में मुस्लिमों को बहुत कम समझा जाता है, मतलब सब बहुत कम माना जाता है, इसके लिए सब इंडिया में रहते तो सब एक तरीके से होना चाहिए। तो आपको हिंदू को लेकर आपके दिल में क्या सोच है, आप कैसा उन्हें सोचते हैं? हम तो एक ही से शोबे से, मतलब कोई ये है तो सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब एक ही तरीके से होना चाहिए। और आप जो है कि हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरतें भरे जा रही है, आप कैसा इस पूरे माहौल को देखते हैं और आप क्या सोचते हैं आने वाली जो आप जो जब बड़े हो गए आपकी उम्र में कैसे हालात रहेंगे? हिंदू मुस्लिम ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि सभी भाई भाई है, आप सबको ऐसा मिलजुल कर रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है आगे क्या होगा, क्योंकि सबको एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, भारत देश ही वैसा सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और क्या कहेंगे कि आपके उम्र के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी क्या आपकी तरह सोच रखते हैं या उनमें भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का ऐसा फर्क आपको दिखाई देता है? सब बहुत से बच्चे रहते हैं जो रखते भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं रहते। इस रैली के पीछे ये पर्पस है कि बहुत सारे जन को ऐसा लगता है ये रिपब्लिक डे होता क्या है, उनको याद दिलाना चाहते हैं रिपब्लिक एक इतना महत्व दिन है कि उस दिन तुम्हारे इंडिया को आजादी मिली थी। और अभी जो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग किस्म के लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से उन्होंने पहरावा पहना हुआ है, तो वो क्या संदेश दिया जा रहा है उसको मतलब वो संदेश ऐसा बोला जाता है कि हम सब एक साथ है और एक यूनिटी में है। आपको लगता है कि हमारे इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको आपस में तोड़ने की कोशिश की जा रही है? हाँ लगता तो है, पर फिर भी हम इतना हमें कैसे मजबूत चेन है जिसकी वजह से हम टूट नहीं सकते। हम लोग कहते बताना चाहे कि आज हम लोग स्काउट्स वाले हैं और हम लोग मार्चिंग करके दिखाएंगे कि आज रिपब्लिक डे है और स्काउट्स वाले हैं। हम भारतीय एक है और हम सबको एक साथ रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलेगा आप में से बोलेगा हिम्मत करो कुछ नहीं होता है। आशा बोलो। भारत छोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अस्सलामु अलैकुम, आई एम फिजा बर्दनवाला एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जेम स्कूल। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन दिस ग्रेट ओकेशन। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज रिपब्लिक डे।
My heart is swelling with pride and honor as I am standing in a country reminiscing about the day the country gained this status. Today is the 73rd Republic Day of our country, the day on which the largest written constitution came into effect. It goes without saying that it is because of the collective effort of our leaders back then that have helped our country to become a republic nation. It gives me immense pride to speak about the leaders whose continuous efforts have led to the foundation of a republic nation. The leaders who stood against all the odds to give our country its own constitution. Today's day, today's celebration is a remember, is to remember that we have not forgotten their efforts and will never will. I would also like to remember the brave soldiers on this day who have protected our country against all odds. To conclude my speech, I would like to say that I feel nothing but proud to be a citizen of this country, and I hope that all citizens follow all the rules and orders according to the constitution to keep the rights of this republic country intact. Jai Hind. Talking about the current situation, being a Muslim, I am very proud to be a part of this rally. It just shows how proud we Muslims are to be as Indians. Even we are proud of our Indians, and I think that we have the right to speak again for it. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. ये है हमारे हिंदू भारतीय और अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज यहाँ से रैली की शुरुआत की जा रही है. मीरा रोड के नैना गढ़िया जी ने लोगों से रैली के इंतजाम करने वाले लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं. रैली के यहाँ पे जो रैली का इंतजाम किया गया है उस बारे में देखिए, आज जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उन मुल्क के हालात के हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि सारी ऐसी ताकतें जो एक दूसरे से भाईचारा प्यार मोहब्बत रखती है वो सबको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए और एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम भारत के सारे लोग एक हैं. ये हम भारतीय की टीम ने आज वही करके दिखाया है और सारे लोगों को एक मंच पे लेके आए हैं. यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध धर्म के लोग जैन धर्म के लोग सारे यहाँ मौजूद हैं और हम यही एक मैसेज बहुत क्लियर देना चाहते हैं कि भारत बहुत एक है और हम बिल्कुल टूटने वाले नहीं. सर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ बच्चों को देखा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का उन्होंने गणवेश पहन के रखा था, उस बारे में बताइए. हम लोग ये हिंदुस्तान में जो सब सेकुलर लोग है वो हिसाब से हम लोग सोच के बस सब एकता बताना चाहते हैं हम लोग कि भाई हम भारतीय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है कि जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है. तो हम लोग हमारी पूरी कोशिश है कि ये एकता पूरे इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जावे और ये एकता हर हिंदुस्तान के हर जगह पहुंचे. मैडम आप क्या कहेंगे इस रैली को लेकर? देखिए पूरे मुल्क में हालात जो बने हुए हैं इस वक्त उसको देखते हुए कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म शहर में होना ज़रूरी है जहां पर एकता भाईचारा और कम्युनल हारमोनी का मैसेज आगे जा सके. वही प्लेटफॉर्म वही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम भारतीय ने मीरा भाईंदर शहर में क्रिएट किया है. सभी मजहब के सभी कास्ट के जाति के लोग यही नहीं कि तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी साथ में आए हैं और एक मैसेज इस शहर में पहुँचाना चाहते हैं कि हम सब शहर में एक हैं. मैडम आप क्या कहेंगे जिस तरह से देश के हालात बने हुए हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में भाइयां बढ़ती जा रही है? आपके माध्यम से पूरे भारत में ये आज संदेश पहुंचेगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि मीरा भाईंदर शहर में एक अलग तरह का हमेशा माहौल रहता है. पूरे भारत में कुछ भी दंगा फसाद या मुश्किलें परेशानी जब होती है मगर मीरा भाईंदर में हमारे सभी राजकीय नेता यहाँ की जनता एक साथ रहती है और यहाँ पे शांति का माहौल बनाया जाता है और सब जन एकजुटी के हर संकट के समय एकजुट से हम यहाँ पे मैदान में उतरते और सामान्य जनता को तो अभी हम लोग केवल मानवता एक धर्म है इसका ही स्वीकार करते और सभी को मदद करते. पूरे भारत में भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और घर घर ये संदेश जाना चाहिए कि हम केवल भारतीय है जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान का सम्मान करना चाहिए और उस संविधान पे कायदे से चलने से हमारा आगे चल के अच्छा ही होगा ये सबको बताना चाहिए. धन्यवाद. अंकुश भाई क्या कहेंगे आप कि जैसे चुनाव करीब आते हैं तो देश में हिंदू और मुस्लिम में खाइयां पैदा की जाती है, उनमें दरारें बढ़ा दी जाती है, तो क्या एक माहौल बनाया जाता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ता रहे और राजनेता जो है वो अपनी सत्ता कायम बचाने में सफल रहे? ये आपका जो बात है वो सच है. इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर जो है कॉस्मोपॉलिटिकल शहर है. इस शहर में आप शहर को भौगोलिक स्थिति देखी तो आपको इसमें ऐसा पता चलेगा कि उतन में आपको क्रिश्चियन लोग मिलेंगे,
उसमें भाईंदर वेस्ट में जाते हो तो बड़े पैमाने पे गुजराती मारवाड़ी लोग मिलेंगे और हिंदू लोग मिलेंगे। ईस्ट में जाते हो तो मराठी लोग है, उत्तर भारतीय लोग है। मीरा रोड की तरफ आते हो तो मुस्लिम समाज है। मीरा रोड के दूसरी तरफ जाते हैं तो साउथ इंडियन समाज है। तो हम इस मीरा भाईंदर शहर जो कॉस्मोपॉलिटिक शहर है, जो अलग जातों धर्मों से पंथों से और स्टेट से बना हुआ शहर है, और जो नफरत आप जैसा बोले थे कि समाज समाज में धर्म धर्म में हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाया जा रहा है, इससे हम एक मॉडल बोल के मीरा भाईंदर शहर के आम लोग जो है जो सेकुलर विचारधारा के है, जो बहुजन समाज को साथ में लेके जाना चाहते है, जो धार्मिक चीज में बाजू में रख के मानवता को मानते हैं, ऐसे सभी के लिए एक हम भारतीय यानी कि हम भारतवासी है, हम हिंदुस्तानी है, ये मैसेज लेके एक अच्छी सिविल सोसाइटी मीरा भाईंदर में शहर में बने, इसके लिए कोशिश करने के लिए ये हमारा पहला ट्राई है कि जो हम भारतीय के बैनर के नीचे सभी जाति धर्मों को पंथों को और स्टेट के लोगों को विद सभी पार्टी के लोगों को साथ में लेके एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश करें और मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग सामाजिक संगठना है और उन संगठनाओं को आपस में जोड़े रखने में सबसे आगे रहने वाले डॉक्टर अजीमुद्दीन हमारे साथ में। सर क्या कहेंगे आज के इस रैली का जो इंतजाम किया गया है उसके पीछे आपका क्या पर्पज है? यहाँ पूरे मुल्क में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उस नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर मीरा भाईंदर के लोग खड़े हुए हैं कि हम सब भारत के लोग एक हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म और मजहब के मानने वाले लोग होने के बावजूद भी हम सब एक साथ हैं। और ये मैसेज आज पूरे देश को इसी की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की एकता ही हमारी ताकत है, हमारे देश का संविधान ही हमारी ताकत है। तो आज इस 26 जनवरी के मौके पे जहाँ पर हमारे देश में पूरे यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस है, इस मौके पर हम देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा संविधान सबसे ऊपर है। यहाँ पर कोई पार्टी या कोई फर्द या कोई नेता ऊपर नहीं, बल्कि संविधान सबसे ऊपर है। और संविधान में सारे समाज के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को, सारे ऊंच नीच को खत्म करके एक सबको एक समान खड़ा किया गया है और हम सब भारत के लोग एक साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने के लिए आज ये रैली निकाली गई है और हम भारतीय के नाम से ये एक एनजीओ है जो पूरे मीरा भाईंदर में लोगों को जोड़ रही है। हमारा मकसद ये है कि हम लोग हम सब मिलकर समाज के अंदर एक तब्दीली लाएं और एक अच्छा माहौल बनाएं जहां पर लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का माहौल हो और नफरत का खत्म किया जाए। सलीम खान जी क्या कहेंगे आज की इस रैली को लेकर? हम भारतीय है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सब समाज जाति धर्म पंथ के लोग इस पॉलिटिकल पार्टी भी इस हम भारतीय समाज के एजेंडे के नीचे सब आए हैं और हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हर समाज के लोग हर पॉलिटिक्स लोग इस हम भारतीय जोड़ने में सब हम कामयाब कर रहे हैं लोगों को और इंशाल्लाह आगे वाले वक्त में भी हम लोग ये समाज जोड़ेंगे और हम भारतीय के एक मजबूत हम शान बढ़ाएंगे यहाँ पर और मीरा भाईंदर शहर में हम सब मिलकर हम भारतीय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आजकल देश में हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए आज हमें एकता और देश की एकता और अखंडता पे काम करना है। आज देश में एकता की जरूरत है, इसलिए हम लोग ये रहे हैं। हम भारतीय की तरफ से सारे हम भारतीय और सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में एकता और अखंडता हमेशा कायम रहेगी, कभी भी देश को तोड़ने वाली ताकतें अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। और ये रैली से हम मकसद एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये भारत को जोड़ेंगे और भारत को जोड़ के रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है हमारे मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग सामाजिक संगठनाएं जिन्होंने हमेशा से प्रयास किया है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता आपस में मिलजुल कर रहे, आपस में भाईचारा बनाए रहे, यही संदेशा वो पूरे देश भर में देना चाहते हैं आज के इस रैली के माध्यम से। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुर्शी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।